सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और फाइनली आज हमारे पास ये बोया का माइक आ गया है। मैं काफी टाइम से ये लेने के लिए सोच रहा था, मगर अगर आप एक ब्लॉगर है तो ये माइक आपके लिए मस्ट है, बिकॉज शायद ही आपको 1500 रुपए में इससे अच्छा कोई मार्केट में दूसरा माइक देखने को मिलेगा। और मैंने काफी इसके रिव्यूज देखे और जितने भी रिव्यूज देखे उसमें 95% रिव्यूज जो है वो काफी पॉजिटिव है, और 1500 रुपए की रेंज में सभी लोग यही माइक है जो रिकमेंड करते हैं। तो आइए हम भी देखते हैं इसे अनबॉक्स करके और फिर देखते हैं कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस। So let's unbox the mic. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइसिंग लिखी है 4950 रुपीज, बट ये अमेजोन पे आपको 1500-1600 के आसपास मिल जाएगा कभी भी, तो डोंट वरी अबाउट द प्राइसिंग। उसके साथ साथ एज यू कैन सी हियर, ये माइक जो है वो कंपेटेबल है आपके स्मार्टफोन के साथ, टैबलेट के साथ और इवन आपके लैपटॉप के साथ, और DSLR और GoPro और किसी के भी साथ भी कंपेटेबल है माइक, क्योंकि इसमें आपको दो वायर्स मिलती है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स अनबॉक्स। अनबॉक्स करते ही आपको सबसे पहले मिलेंगे यहाँ पे पेपर्स, आई थिंक कोई रीड नहीं करता तो इसे साइड में रख देते हैं, बॉक्स को भी साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहली आपको चीज़ मिलती है वो है माइक, और ये जो है इसे बोलते हैं डेड कैट, मतलब आप शूट कर रहे हो आउटडोर्स हो या फिर विंड नॉइज है, बैकग्राउंड नॉइज है, तो इसे रिड्यूस करने में ये काफ़ी काम लगता है और ये माइक के ऊपर ऐसा लग जाता है। उसके साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पे माइक अडेप्टर, ये माइक को आप ऐसे उस पर कनेक्ट करके ये जो पार्ट है आप DSLR पे लगा सकते हैं, DSLR पे कोल्ड शू माउंट बोलते हैं जहाँ पे ये लग जाएगा, या फिर आपका जो मोबाइल का ट्राइपॉड है उस पर भी आप लगा सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे एक पाउच मिलता है बोया का, जो लेदर टाइप पाउच है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बोया की ब्रांडिंग भी है। उसके साथ आपको दो वायर्स मिलते हैं, ये जो वायर है ये आपका DSLR के साथ कनेक्ट करेगा माइक को, और जो दूसरा वायर है ये आपको आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा माइक की। और यहाँ पे दिया हुआ भी है कि ये तरफ जो है माइक को आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे, और ये जो दूसरा पॉइंट है वो आपके स्मार्टफोन में लगेगा। तो चलिए आप स्मार्टफोन पे लगा के हम देखते हैं कि कैसी है इसकी क्वालिटी, क्या डिफरेंस रहता है आपके इंटरनल माइक्रोफोन से और अगर आप ये बोया का एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाते हैं। तो अब हम लोग सेटअप करते हैं माइक का ये ट्राइपॉड पे जो मैं मोबाइल पे यूज़ करता हूँ, बट अगर आप ट्राइपॉड पे सेटअप करना चाहते हैं तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपको अलग से सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज ट्राइपॉड के साथ ये माउंट कभी नहीं आता जो आपको इसके नीचे लगाना होता है, तो आपको ये अलग से पार्ट लेना पड़ेगा कहीं से भी, बाजार में या फिर अमेजोन पर मिल जाएगा, और इसको आपको फेविक्विक से चिप करना पड़ेगा जो मैंने किया है। तो अब हम अटैच करेंगे माइक को इस ट्राइपॉड के साथ, फिर टेस्ट करेंगे कैसी इसकी आवाज़ है। सो एज यू कैन सी जो माइक है वो ट्राइपॉड पे अटैच हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है प्रॉपर व्लॉगिंग सेटअप। तो अब एक काम करते हैं, इस पर यहाँ पे फोन अटैच करते हैं और जो ये वायर्स है ये वायर्स को फोन और माइक के साथ अटैच करके देखते हैं पूरा सेटअप कैसा लगता है। तो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है माइक, कैमरा और ये वायर जिसके साथ हमने अटैच किया है माइक को। काफ़ी अच्छा सेटअप लग रहा है, काफ़ी प्रोफेशनल सेटअप लग रहा है। तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं टेरेस पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जब बैकग्राउंड नॉइज होता है काफ़ी ज़्यादा, हवा चल रही होती है, तो विथ माइक और विदाउट माइक में कितना ऑडियो में डिफरेंस आता है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज के साथ ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये माइक कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो चलते टेरेस पे। तो गाइस अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो आईफोन के इंटरनल माइक से आ रही है, अभी इतनी हवा नहीं चल रही तो आई गेस बैकग्राउंड नॉइज़ इतना नहीं होगा, बट इसके कंपेयर में जो माइक का साउंड है वो थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ और भी रिड्यूस करेगा और साउंड इतनी डिस्टॉर्ट नहीं आएगी। तो अब जो नेक्स्ट आप आवाज़ सुनने वाले हैं वो आपको आवाज़ सुनने मिलेगी बोया के इंटरनल माइक से। गाइस ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो बोया के एक्सटर्नल माइक से आ रही है, और थोड़ी विंड आ भी रही है तो आई गेस उसको भी ये रिड्यूस कर रहा होगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, अभी तो मुझे नहीं पता कितना अच्छा ये माइक काम कर रहा है, बट कंपेयर टू द इंटरनल माइक थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए इसमें, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नया हो तो सब्सक्राइब करें, और ये माइक की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए, तो अगर आपको बाय करना है, अगर आप एक व्लॉगर है और बिगिनर है तो आपको ये डेफिनेटली माइक बाय करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हैं। एंड वी विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Have a great day.